गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल, एजुकेशनल एंड इंग्लिश लर्निंग वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये बताना बिल्कुल न भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मॉडल वर्ब्स, और मॉडल वर्ब्स में आज हम सीखने वाले हैं वुड का प्रयोग। तो आइए सीखते हैं कि वुड का प्रयोग कैसे करते हैं। सबसे पहले वुड का प्रयोग नंबर वन, यानी कि इच्छा बताना और इच्छा पूछना। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी से किसी की इच्छा पूछते हैं तो हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लो हमारे घर पे कोई गेस्ट आया तो हम उससे पूछते हैं ना कि आप चाय लोगे, ठंडा लोगे, कॉफी लोगे या कोल्ड ड्रिंक लोगे या कुछ खाने में लोगे। तो ये सब क्या है, हम सामने वाले की इच्छा पूछ रहे हैं, और इच्छा पूछने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम मॉडल का यूज करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये हमारा एफर्मेटिव फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है। अब क्योंकि हम सामने वाले की इच्छा पूछ रहे हैं तो आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, तो ये क्या आने की वजह से सेंटेंस हो गया इंटरोगेटिव। वुड यू लाइक टू टेक टी, तो हमने मॉडल वर्ब को पहले रखा, उसके बाद सब्जेक्ट रखा, देन हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, इसमें हम पूछ रहे हैं किसी की इच्छा। अब सामने वाला ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो बोलेगा, यानी कि अपनी इच्छा बताएगा, तो हम यूज करेंगे येस आई वुड लाइक टू टेक टी। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वुड आया है क्योंकि ये आपका सिंपल सेंटेंस है, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर टू पे जाते हैं। वुड का इसके अलावा अलग यूज भी है, वो ये है, मैंने राहुल को बताया कि मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा। अब इस सेंटेंस में ध्यान से देखा जाए तो दो सेंटेंस हैं जो कि की शब्द से जुड़े हुए हैं। अब इंग्लिश में एक रूल है कि पास्ट फॉलोज पास्ट, यानी कि अगर आपका पहला सेंटेंस पास्ट है और दूसरा सेंटेंस जो भी है उसको आपको पास्ट फॉर्म में रखना पड़ेगा अगर वो किसी कनेक्टर से कनेक्टेड है। यानी कि अगर पहला सेंटेंस पास्ट है तो दूसरा भी आपको पास्ट फॉर्म में रखना है। अब दूसरा सेंटेंस है मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा, देखा जाए तो इसमें विल का प्रयोग होना चाहिए क्योंकि आऊंगा फ्यूचर को दिखाता है, लेकिन क्योंकि हम इंग्लिश के रूल के हिसाब से चल रहे हैं कि पास्ट फॉलोज पास्ट, तो हम विल की पास्ट फॉर्म जो कि वुड होती है उसका प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस बनाते हैं, मैंने राहुल को बताया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आई टोल्ड राहुल, यहां पर हमने सेकेंड फॉर्म का यूज करा है, कि दैट आई टोल्ड राहुल दैट आई विल नॉट गो टू स्कूल। यहां पर वी दिमाग में आता है कि भाई विल लगाए हम, लेकिन आपको क्या करना है, विल की पास्ट फॉर्म वुड का यूज करना है। ऐसे केस में कभी भी विल नहीं लगाना, विल की जगह वुड लेगा, आई वुड नॉट गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे। क्लियर है? तो ऐसा वाक्य जिसमें पहला सेंटेंस पास्ट का हो और दूसरा सेंटेंस फ्यूचर का हो, उसमें आप फ्यूचर वाले में विल ना लगाकर वुड लगाएंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू ज्वाइन रोहित इंग्लिश अकेडमी। हम किसी से उसकी इच्छा पूछ रहे हैं, भाई क्या आप रोहित इंग्लिश अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं या चाहेंगे। सामने वाले ने जवाब दिया यस आई वुड लव टू ज्वाइन, यानी कि मैं पसंद करूंगा ज्वाइन करना। तो ये आपका रिप्लाई हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया, जो कि हमने यहाँ पे किया था इंटरोगेटिव और सिंपल, उसका हमने एक और एग्जांपल ले लिया, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल, वुड का पहला यूज हमने सीखा इच्छा बताना और इच्छा पूछना, दूसरा यूज सीखा कि जब आपका पहला सेंटेंस पास्ट हो और दूसरा फ्यूचर हो। अब तीसरा तरीका है कि वुड का यूज हम यूज टू की जगह भी कर सकते हैं। यूज टू का यूज हमने बताया था कि हम यूज करते हैं ताथा तीथि तेथे शब्द के लिए, अगर हमारे सेंटेंस में वर्ब के साथ ताथा तीथि तेथे आता है तो हम यूज टू यूज करते हैं, जो कि एक पास्ट हैबिट को दिखाता है। अब हम ये कहना चाहते हैं कि आप जहां जहां यूज टू का प्रयोग करते हैं इस कंडीशन में, वहां पर आप वुड का भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम ये सेंटेंस ऐसे बोलें कि आई वुड गो टू प्ले क्रिकेट इन दैट पार्क, तो ये सेंटेंस गलत नहीं होगा। मैं उस पार्क में क्रिकेट खेलने जाता था, बिफोर मींस पहले, मैं पहले उस पार्क में क्रिकेट खेलने जाता था। अगर आप ये भी बोलते हैं कि आई यूज टू गो टू प्ले क्रिकेट इन द पार्क, इवन देन दिस सेंटेंस इज ओके। तो आप यूज टू को भी रिप्लेस कर सकते हैं वुड से।
तो हमने सीखा कि हम वुड का प्रयोग तीन जगह करते हैं, पहला इच्छा बताने और पूछने के लिए, दूसरा पास्ट टेंस के लिए, विल का पास्ट वुड होता है उस केस में, और तीसरा हम यूज्ड टू की जगह वुड का प्रयोग कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारे यूज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप दो तीन बार इस वीडियो को देखते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें, और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी ताकि हम और मेहनत करें और बेटर वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी और नई जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।